गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने समास और उसके भेद पढ़े थे। उसका पहला पढ़ा था अव्यय भाव समास। उसी के आधार पर जो प्रश्न दिए गए थे उनके आंसर इस प्रकार है। अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लेख नियम। उपवनम तो इसका बनेगा वनस्य पश्चात, और यह अव्यय भाव समास है। सेकेंड है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अव्यय भाव समास। थर्ड है प्रतिवारम, वारम वारम, ये भी अव्यय भाव समास। फोर्थ है समित्रम, मित्रेण सहितम। सेकंड था अधोलिखित पदानाम विग्रह वाक्यानाम समास करणीय एवं समासस्य नामापि लिखत। इसका विग्रह दे रखा था, उसका पद बनाना था, तो मक्षिकाणाम अभाव दे रखा, तो निर्मक्षिकाणाम बनेगा। और समास अव्यय भाव समास है। नगरस्य समीपम तो इसका बनेगा उपनगरम। थर्ड था इसका स्थानम अनतिक्रम्य यथा स्थानम, और फोर्थ है पदानाम पश्चात तो अनुपदम बनेगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय पद उत्तर प्रदात की प्रधानता होती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है व्याधिकरण और सेकंड है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ पहला पद विभक्ति युक्त होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। इसमें दे रखा है समस्त पद दे रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ विग्रह दे रखा है। पहला है इसमें ग्रामगत, ग्रामगत मतलब गांव को गया, तो ग्रामम विग्रह होगा ग्रामम गत, कर्ता ने कर्म को, यानी कि द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय तत्पुरुष समास। हरित्रात हरिणात्रात तृतीय तत्पुरुष। भूत बलि भूतेभ्य बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चोर भयम चोरात भयम पंचमी तत्पुरुष। राजपुरुष राज्ञः पुरुष ये विग्रह कर रखा है, षष्ठी में आता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। अक्ष शोंडः अक्षेषु शोंडः सप्तमी तत्पुरुष समास। सेकंड है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, इसे कर्मधारय समास भी कहते हैं, जब तत्पुरुष समास के दोनों पद समान होते हैं। नील कमल नीलम कमलम, पहला पद नीलम है दूसरा कमलम है, दोनों पद समान है। सुंदर बालकः सुंदरः बालकः इति, दोनों पद समान होंगे, से कर्मधारय समास भी कहते हैं। थर्ड है कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, जैसे नील कमलम। नील कमलम में इस उदाहरण में नीलम कमलम इव दोनों पदों में समान विभक्ति यानी कि प्रथमा विभक्ति है। यहाँ नीलम जो दे रखा है वह एक विशेषण है और कमलम पद है विशेष, इसलिए यह कर्मधारय समास है। इसके उदाहरण निम्नलिखित है। फर्स्ट है इसका विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य में पहला पद विशेषण और उत्तर पद जो है विशेष्य होगा, जैसे दे रखा है पहला पीताम्बरम पीतम च तत अम्बरम। वीर पुरुषः वीरः च असो पुरुषः, यानी कि जो ये पुल्लिंग वाला वाक्य है इसलिए इसके बीच में च असो लगाया गया विग्रह करते समय। रम्य वाटिकाः रम्याः च इयम् वाटिका, रम्य वाटिका ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है इसलिए इसके बीच में च इयम् लगाया गया है, और विग्रह होगा उसका पद भी इसी तरह से बनेगा, बीच के जो शब्द हैं वो हट जाएंगे और रम्यः रम्य वाटिका बन जाएगा। इसके नीचे दे रखा है विग्रह करते समय दोनों पदों में समान विभक्ति लगाते हैं, दोनों पदों में समान रूप से प्रथमा विभक्ति तथा समस्त पद पुल्लिंग में च असो स्त्रीलिंग में च इयम तथा नपुंसक लिंग में च तत लगाया जाता है। प्रथम पद का लिंग
वचन उत्तर पद के अनुसार होता है। सेकंड है उपमान उपमेय कर्मधारय समास। उपमान उपमेय कर्मधारय समास में जहाँ पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय जिसकी तुलना की जाए वहाँ उपमान उपमेय कर्मधारय होता है। जहाँ तुलना की जाए वहाँ ईव लगाते हैं। जैसे पहले दे रखा है उदाहरण के तौर पर गन श्याम, गन ईव श्याम। गन का मतलब बादल होता है और श्याम का मतलब काला, तो बादल के समान काला। चंद्रमुखम चंद्र ईव मुखम, चंद्रमा के समान मुख। पुरुष सिंह पुरुष के समान शेर। फिर थर्ड है उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास। उपमानोत्तर कर्मधारय समास में जहाँ उपमान उत्तर पद में हो वहाँ उपमानोत्तर पद कर्मधारय समास होता है। इसमें ईव का प्रयोग दोनों पदों के बाद में करते हैं। जैसे पुरुष नाग, पुरुषः नाग ईव, यानी कि पुरुष किसके समान है, सर्प के समान। मुख कमलम मुखम कमलम ईव, मुख कमल के समान। पुरुष व्याघ्रः, पुरुषः व्याघ्रः ईव, पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब शेर के समान। फिर है फोर्थ है अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय समास। अवधारणा को जहाँ पर विशेषण समान प्रयोग किया जाता है उसे अवधारणा पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। एव ही विद्या धनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। गुरुदेव गुरु एव देव, गुरु ही देव है। वेद संपद वेद एव संपद, वेद ही संपत्ति है। तो स्टूडेंट आपने जो अभी तक पढ़ा है उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि ग्रह कार्य में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर एक अधोलिखित पदानाम समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीयम्। फर्स्ट है महापुरुष पुरुषः, सेकंड है नीलोत्पलम, थर्ड है कृष्ण सर्पः, फोर्थ है तपोधनम। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम समास पद कृत्वा समासस्य नामापि लेखनीयम्। पहला है इसमें पाषाण चयेह निबद्धे, सेकंड है मंडुका नाम राजा इति, थर्ड है परम चासो ईश्वरः, फोर्थ है तुच्छ सेवकः। और यही नियम जो है समास के अव्ययीभाव समास तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास का जो विग्रह और समास पद बनाने का दिया गया है वो याद करें और लिखें।